हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि जामिया का हॉस्टल कब ओपन होगा एंड क्या क्या उसके बारे में, किस तरीके से हम हॉस्टल ले पाएंगे और कब तक आखिर हो पाएगा। तो फाइनली इन सारी चीज़ों का आज जाकर के नोटिस आ चुकी है। 27 जनवरी आज की आज का दिन है और आज जामिया की तरफ से नोटिस को डिक्लेयर किया गया है। तो इन द मीटिंग ऑफ द प्रोवोस्ट हॉल ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स रेसिडेंस, जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स रेसिडेंस हॉल है, ठीक है, इन सब में क्या किया जाएगा। इट यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल विल बी ओपन फ्रॉम, इसको ओपन कर दिया जाएगा कब से, 1 फेब 2023 से, फर्स्ट वीक ऑफ फेब से, मीन्स कि इस महीने के एक हफ्ते, मतलब कि पहले फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी से ओपन कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें जब ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, इसकी लिस्ट कब आएगी एंड बाकी चीजें, तो अगर मैं उस चीज के बारे में बात करूँ तो इसकी जो लिस्ट है, द लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनको भी हॉस्टल मिलना है, जो भी बच्चे जिनका भी लिस्ट में नाम होगा, विल बी डिस्प्लेड बाय 31 जनवरी 2023। तो उसका जो नाम है वो 31 जनवरी 2023 से पहले डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि किन लोगों को मिलना है। साथ ही साथ रूम अलॉटमेंट प्रोसेस जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6 फेब। तो ये स्टार्ट कब से हो जाएगा, 6 फरवरी से शुरू हो जाएगा एंड विल एंड ऑन 15 जनवरी 2023। तो 15 जनवरी 2023 को फाइनली जाकर के सारे रूम्स के जितने भी प्रोसेस हैं, रूम मिलने से लेके हर कुछ का, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हैं, इंतजार में लगे हुए थे कि कब आके हॉस्टल की सारी चीजें आएंगी, तो उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इंतजार करें कि आपका हॉस्टल में नाम आता है या नहीं आता है और आपके क्या क्या स्कोर रहे हैं हॉस्टल्स के लिए। तो आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो डेट कि हमें भी पता चल सके कि आखिर कितने स्कोर्स पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।